नमस्कार सर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उषा से भी फास्ट मार्केट में बिकने वाली सिलाई मशीन कौन सी कंपनी का है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर अच्छी मशीन बताइए जो हमें खरीदना है, कि जो अच्छी कंपनी का हो, अच्छी सिलाई मशीन हो। कौन सी सिलाई मशीन है कि जो सबसे अच्छी सिलाई मशीन है, तो इसके लिए आज मैं एक वीडियो बना देता हूं और सबसे अच्छी क्वालिटी का सिलाई मशीन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो उषा से भी फास्ट बिकती है मार्केट में। और हाँ, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अभी सिलाई मशीन मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, साथ में उषा कंपनी का भी रख देता हूं और साथ में जो कंपनी में दिखाना चाहता हूं उसे भी रख देता हूं, और मैं आपको उसकी क्वालिटी दोनों की क्वालिटी दिखाता हूं। मेरे भाई, इस समय मार्केट में उषा से भी फास्ट बिकती है सिलाई मशीन जो कंपनी में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि इस कंपनी में क्या खासियत है, क्या चीज है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जिस कंपनी का मैं सिलाई मशीन दिखाने जा रहा हूं आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये सिलाई मशीन कैसा आपको लग रहा है, तो जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामने सिलाई मशीन रखा हुआ है जो उषा कंपनी का है, देख लीजिए। ये सामने उषा कंपनी का सिलाई मशीन रखा है, इसका क्वालिटी मैं पूरा दिखाऊंगा। और देख लीजिए, ये जो मैं दिखाने वाला हूँ वो भी रखा हुआ है। तो इसका पैक मैं खोलने जा रहा हूँ और खोल के पैक इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देख लीजिए आपको कैसा है ये सिलाई मशीन, और एक एक पार्ट के भी बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि उषा में कैसा दिया है और जो मशीन मैं निकाल रहा हूँ इस मशीन में कैसा दिया हुआ है। तो ज़रूर आप पूरा देखिए, और मैं निकाल रहा हूँ अभी आपके सामने, देख लीजिए। अभी पैक है, अभी इसका पैक खोला हूँ और अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पे, जो घुटना सेट होता है, ये बॉक्स में कुछ सामान होता है। तो अभी ये पैक है, इसका मैं पन्नी काट देता हूँ, जो टेप लगा होता है इसको काट देता हूँ। देख लीजिए, सामने ये रखा हुआ मशीन, अभी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए ये सेल सिलाई मशीन, इस सिलाई मशीन का नाम है सेल सिलाई मशीन। तो देख सकते हैं इसका क्वालिटी आप देखिएगा। अभी मैं पन्नी से निकाल रहा हूँ और निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, मैं पन्नी से निकाल रहा हूँ और देख लीजिए, इसका ज़बरदस्त क्वालिटी है, एकदम अच्छा क्वालिटी है। एक एक पार्ट के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए, दोनों सिलाई मशीन सामने है, जो उषा का नाम से भी फेमस है, अच्छा सिलाई मशीन ये भी है, मगर इससे बेहतर मशीन ये बना दिया है सेल सिलाई मशीन जो आपके सामने है। इसमें कुछ क्वालिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, ये जो टेंशन स्प्रिंग जहाँ पे लगता है, ये झांस सेट बोलते हैं यहाँ पे। देख लीजिए, आगे जो पेच लगा हुआ है इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये जो मतलब नया नया सीखने वाली लड़की नहीं समझ पाती हैं। और वही चीज़ सेल सिलाई मशीन में, देख लीजिए, सेल सिलाई मशीन में नंबर लिखा हुआ है। इससे ये होता है कि जो नया नया लड़कियाँ सिलती हैं उन्हें नंबर के हिसाब से धागा सेट करती हैं, तो वो दाना नहीं लेता है और ना ही टाप लेता है। तो इस चीज़ के लिए तो आप जान ही चुके हैं। और एक देख लीजिए, जो धागा भरने वाला होता है उसके नीचे देख लीजिए रिवर्स होता है। देख लीजिए रिवर्स गियर जो आप हाथ से चला रहा हूँ, देख लीजिए आप, तो ये चौड़ा दिया हुआ है। देख लीजिए, चार उंगली इस पर रख करके आप कर सकते हैं काम, रिवर्स कर सकते हैं और चोट लगने की डर नहीं रहेगा इसमें। और यही चीज़ मैं आपको उषा में दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए इतना पतला दिया हुआ कंपनी वाला कि जो आपकी दो उंगली भी नहीं इस पर बैठेगी। देख लीजिए, अभी एक उंगली से बैठेगा, एक उंगली से आप कर सकते हैं। देख लीजिए, ये रिवर्स एक उंगली से करेंगे, वही चीज़ उसमें चौड़ा दिया हुआ है। और भी एक चीज़ खासियत मैं आपके दिखा रहा हूँ, बहुत सारा खासियत इसमें है जो मैं भी दिखा रहा हूँ, ये पलट के दिखा देता हूँ। ये जो सुई राड के बारे में आपको बता रहा हूँ, सुई राड उषा में कैसा है और ये सेल में कैसा है, ये भी आप देख लीजिए। जो अब मैं उषा का सिलाई मशीन पलट रहा हूँ और दोनों सुई राड जो है एक साथ में कर लेता हूँ, मशीन को साइड में लगा लेता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, अब दोनों दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं राड उषा का। देख लीजिए, ये जो सुई राड आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ये देख लीजिए लगा हुआ है ये सुई राड जो है, देख सकते हैं। ये सुई राड सेल कंपनी से पतला है, बहुत पतला है मेरे भाई। और पतला रहने का खासियत समझते हैं क्या है, इससे ये होता है कि बस एक से दो ही महीना या साल भर चलेगा मशीन तो ऐसे डग आ जाएगा। और ये देख लीजिए, सेल सिलाई मशीन में मोटा है, ये जब मोटा रहेगा भाई तो सालों साल चलती रहेगी मशीन, जल्दी डग नहीं आएगा सुई राड में। और जब सुई राड में डग नहीं आएगा तो सुई नहीं तोड़ेगा, आप तो जानते हैं। हर पार्ट जब बढ़िया रहेगा तो मशीन कुछ दिन के लिए आपको कुछ नहीं बोलना होगा। तो चलिए पलट के मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बुश में क्या सिस्टम किया हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि उषा से ब्रांड कोई भी चीज़ नहीं है, तो मानते भी हैं, उषा भी ब्रांड कंपनी है, ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर क्वालिटी देख लीजिए, इससे भी बेहतर ये बना दिया है।
देख लीजिए यहाँ पे जो राड, शटल राड जो है इसका बुश लगाया हुआ है, यहाँ पे 3 इंच का बुश सेल कंपनी में लगा रखा है, देख लीजिए आप, 2 इंच इधर बढ़ा हुआ है, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है, और इस तरफ भी देख लीजिए 3 इंच का लगा हुआ, और इसमें मात्र 2 इंच का बुश लगा हुआ है, देख लीजिए साइड में बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, 2 इंच का बुश इसमें लगा है, आप देख रहे हैं, और एक छोटा सा बुश लगता है, अभी मैं उसके बारे में दिखा रहा हूँ, जो सामने देख लीजिए लगा हुआ, जो हाथ से मैं छू रहा हूँ, छोटा सा बोल्ट है, अभी चला के दिखाता हूँ, इनमें 2 बोल्ट लगता है, एक इधर एक उधर। तो ये बुश लगाने से क्या होता है, जो सुई राड है इधर उधर पले नहीं होगा, ये दोनों तरफ लगना चाहिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, जब आप डग आ जाएगा इसमें कुछ दिन चलाएंगे तो ऐसे ही डग आ जाएगा, और जब यही चीज़ बुश इधर रहेगा तो दोनों तरफ अगर टाइट कर देंगे तो इसमें डग नहीं आएगा, यही चीज़ मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए जो छोटा छोटा बुश है देख लीजिए इधर भी लगा हुआ है और वही बुश इधर भी लगा हुआ है, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डग नहीं आएगा जल्दी राड में, तो आपका सुई नहीं तोड़ेगा, और भी बहुत सारा खासियत है इस सिलाई मशीन में, तो धीरे धीरे मैं आप सबको बताता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए मेरे भाई, आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं मेरे भाई। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।